अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज जो मैं रिव्यू लेके आई हूँ, बेसिकली मदर्स के लिए लेके आई हूँ। मैंने ऑर्डर किया है मास्टरला 6-in-1 मल्टी फंक्शन बेसिनेट ग्रे कलर में, जो कि सेल पे था। इसकी प्राइस मैंने इस ऐप में मैंने सारा कुछ शो कर दिया है कि इसकी प्राइस कितनी थी, इसकी फंक्शनैलिटीज़ भी सारी मैंने शो कर दिए हैं। ये मैंने बेबी प्लैनेट से ऑर्डर किया बेसिकली, तो इसका रिव्यू करते हैं जल्दी जल्दी से। और इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ थी, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। पिक्चर्स में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये डिटैचेबल भी है, बेबी कॉट भी बन जाता है, बेबी सीट भी बन जाता है, एंड स्विंग भी है इसमें, और आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो ये तो बेस्ट टू बेस्ट है फॉर लाइक मदर्स। और ये फोल्डेबल है, सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाता है, मतलब स्पेस फ्रेंडली है। तो लेट्स सी। अच्छा, तो सबसे पहले जो मेरे पास ये बहुत अच्छी पैकिंग में आया था बेबी प्लैनेट वालों की तरफ से, और इस तरह की ये पैकिंग में आया था। मैं इसकी सिर्फ पिक्चर्स अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, और बस ये सब। मैंने बॉक्स ओपन किया तो उसमें से डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स निकले जिनको हमने असेंबल करना था। तो ये बेसिकली थोड़ा सा हेक्टिक है, बट एक दफ़ा आप असेंबल कर लो तो इट्स लाइक इट्स ग्रेट ग्रेट परचेज फ्रॉम अ बेबी प्लैनेट। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, और देख सकते हैं आप लोग कितना स्पेस फ्रेंडली, इतने छोटे से बॉक्स में आ गया ये, और अच्छा खासा साइज़ है। इस बॉक्स के पीछे इसकी सारी जो है ना फंक्शनैलिटीज़ वगैरह लिखी होती हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं वो भी मेंशन होता है, जो वार्निंग्स वगैरह होती हैं वो भी, मतलब इसके बॉक्स के ऊपर बेसिकली इसको असेंबल करने का तरीका नहीं सिर्फ लिखा होता, लेकिन इसके अलावा इसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी वगैरह है वो जो है ना सारा कुछ मेंशन होता है। इसके साथ एक बुकलेट मिलती है जिसमें आपको मेंशन होता है कि इसके कितने पार्ट्स हैं ये वो। तो मेक श्योर कि जब आप कोई चीज़ इस तरह की परचेज़ करें तो आप उसके पार्ट्स सबसे पहले काउंट करें। अब इसके बॉक्स में जो है बेसिकली इसकी 3 मेन फंक्शनैलिटीज़ जो हैं, जो पर्पज़ है, वो बेसिकली बहुत क्लियरली विजिबल हैं। लाइक देखें, चेयर बन जाता है, स्विंग चेयर बन जाती है, और कॉट बन जाता है। तो 6-in-1 है ये, और इसमें इसकी जो 6 फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बहुत क्लियरली इसके अंदर मेंशन है, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। बेसिकली इसके ज़्यादातर मैनुअल जो था किसी और लैंग्वेज में था, तो मेरे लिए रीड करना बहुत मुश्किल था, तो मैंने मोस्टली बॉक्स को ही फॉलो अप किया है। अब ऐसे इसके बॉक्स के फ्रंट में क्या है, बेसिकली उसने बेड टाइम के लिए शो किया कि आप कॉर्ड को इजीली डिटैच कर सकते हो और अपने बेड पे रख सकते हो। इसका जो पुल्स वगैरह हैं वो एडजस्टेबल हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं बेड के हाइट के मुताबिक, उसके बाद जो स्विंग हो जाता है, उसके बाद जो चेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये 4 इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं। 3 कलर्स में ये अवेलेबल होता है, बट आई डोंट नो, लाइक बेबी प्लैनेट में सिर्फ ग्रे कलर में अवेलेबल था तो मैंने उसमें लिया। एक और जो मेन फंक्शनैलिटी इसकी वो ये थी कि इसमें म्यूज़िक भी था, तो वो बेसिकली म्यूज़िक के लिए बैटरी वगैरह जो यूज़ होती थी ये उसने उससे मेंशन किया हुआ है। बाकी की चीज़ें आप इनकी वेबसाइट पे masterla.com पे आप चेक कर सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी एंड एवरीथिंग। लाइक मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, इट्स अ वेरी गुड परचेज फ्रॉम अ बेबी प्लैनेट। उसके बाद मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर सारे पार्ट्स दिखा दिए जाए, लाइक 1-2 ऑल। अब हम इनको असेंबल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने इसके जो नीचे वाले पार्ट्स थे, मतलब जो लेग्स वगैरह थी इसकी, वो सबसे पहले असेंबल की। इसमें लॉक वाला है, मेक श्योर कि आप लॉक को पहले प्रेस करें और वो अंदर जाए, एंड देन वो लॉक हो जाता है खुद ब खुद ही। इट्स नॉट लाइक स्क्रू टाइप, कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर, ये लॉक हो जाता है, क्योंकि आप इसको ईजिली डिसम्बल भी कर सकते हो। इसी तरह लॉक को प्रेस करेंगे और इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये हमने इसकी लेग्स अटैच कर दी हैं आपस में, ये देख सकते हैं आप ये कि ये मूवेबल हैं ऊपर नीचे, और इनके नीचे लॉक्स लगे हुए हैं। इसमें कोई चीज़ भी स्क्रू टाइप चीज़ नहीं है, इसमें सब कुछ लॉक्स के वगैरह जिनको अपने अंदर पुश करना होता है और अंदर फिक्स करना होता है, वो खुद ब खुद जाके फिक्स हो जाती हैं। ये जो कॉट था ये इसी तरह बना हुआ आया था, इसके अंदर जो क्लोथिंग का मटेरियल है वो बेसिकली डिटैचेबल है। आप जस्ट लाइक अगर गंदा हो जाता है तो आप बेबी के लिए उसको उतार के उसको वॉश कर सकते हैं ईजीली।
अब ये दो चीज़ें अटैच करने से पहले आपने इसका लेफ़्ट राइट लाजमी देखना है। इसके ऊपर मेंशन है लेफ़्ट और राइट बेसिकली, तो लेफ़्ट लेग को अपने लेफ़्ट के साथ ही अटैच करना है कॉर्ड के और राइट को अपने राइट के साथ ही अटैच करना है कॉर्ड के। अब इसके साथ तकरीबन आपको 9 स्क्रूज मिलते हैं जो आपने अटैच करने होते हैं। तो ये बेसिकली हमने तो उसको प्रॉपरली फिक्स नहीं किया, तो वो आर जस्ट लाइक शोइंग द पोजीशन कि कहाँ कहाँ पे इसके स्क्रूज लग रहे हैं इसको प्रॉपरली फिक्स करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए। अब ये इसकी डिस्क टाइप सी है जो बेसिकली चेयर को चेयर जब आप बनाते हैं तो उसके लिए सपोर्ट करती है, तो वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। अब अगेन इसमें कोई स्क्रू नहीं है, कुछ नहीं है, इसको जस्ट पुश एंड पुल करके आपने असेंबल करना है। ये भी हमने कॉर्ड उसके ऊपर फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद इसके जो नॉब्स हैं साइड पे वो आपने टर्न करने हैं, उन पर लॉक और अनलॉक बटन बना हुआ है, आपने उसको लॉक कर देना है ताकि वो अपनी जगह से मूव ना करें और उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले। अब हम इसको चेयर में कन्वर्ट करेंगे। इसके साइड पे दो छोटे से नॉब्स हैं जिनको आपने पुल करना है और पुल करते साथ ही ये चेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यू कैन सी। अच्छा, ये अभी रॉकर मोड में है, मैं इसके पाए खुलना भूल गई थी, जो इसके नीचे वाले पाँव थे वो खुल जाते हैं जिससे ये रॉकर मोड से रिमूव हो जाता है, एक जगह पर फिक्स हो जाता है। और अब ये म्यूज़िक वाला सिस्टम हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं और ये भी रॉकर मोड में है, बेसिकली एक जगह पर फिक्स भी हो जाता है। इसके नीचे वो मैं करना भूल गई थी, तो जब आपको लगे तो इसके नीचे ही इसके ओपन कर लें आप और वो फिक्स हो जाएगा एक जगह पे। तो स्टार्ट में मैंने आपको बैटरी शो की थी, वो बेसिकली इसकी थी बैटरी या सेल्स जो भी हैं इसमें यूज़ होते हैं। इसमें म्यूज़िक और वाइब्रेशन दो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बेबी के लिए।